चार दिन तक चलने वाले लोक आस्था के महापर्व की खूबसूरती छठी मैया के गीतों से भी है। माना जाता है कि छठ गीतों में जो भाव का रस बरसता है वो बेहद खास होता है। झारखंड की प्रसिद्ध लोक गायिका मिताली घोष के साथ इस भाव को हम तक पहुंचा रहे हैं रांची से हमारे ब्यूरो चीफ ब्रजेश राय। ये मधुर आवाज जो आप तक पहुंच रही है ये है मिताली घोष। लोक आस्था का पर्व छठ को सजाने में संवारने में छठी मैया का गीत का भी बहुत अहम योगदान होता है। मिताली घोष एक ऐसी गायिका है झारखंड की, पूर्वी भारत की, जो अपनी गायकी से लोगों के दिलों पर राज करती हैं। हमारे साथ R9 टीवी पे मिताली घोष हैं। ये छठी मैया को भावपूर्ण अपनी श्रद्धा अर्पित कर रही है। मिताली जी, क्षमा चाहूंगा, पूरा गीत आपसे सुनना चाहूंगा। सबसे पहले तो R9 टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। आपसे आग्रह होगा कि छठी मैया के गीत के बगैर छठ पर्व सजता नहीं है, क्या मानती हैं आप? बिल्कुल, ये बहुत ही पावन और श्रद्धा का ये छठ मैया का जो हर साल जो हम लोग इंतजार करते हैं, वो हर साल घूम के आते हैं और इंतजार करते 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 एक दिन आ ही जाता है झट से। ये बहुत पावन बहुत पवित्र त्योहार है जो हर छठ व्रतियों को इंतजार रहता है। मिताली जी, आपसे आग्रह होगा अपने दर्शकों के लिए आपकी सुरीली आवाज में एक पारंपरिक सबसे पहले छठ माँ का गीत। बिल्कुल बिल्कुल। काच ही बस के बहंगिया बहंगी लच कत जाए, बहंगी लच कत जाए, होई ना बलम जी कहरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए, काचे ही बस के बहंगिया बहंगी लच कत जाए, बहंगी लच कत जाए। बहुत खूब मिताली जी, क्या भाव है और जो शब्द की रचना है, शब्द के साथ सुरीली आवाज में ये भाव छठी मैया के लिए भक्तों को भाव विभोर कर देती है। मैं ज्यादा व्यवधान पैदा करना नहीं चाहूंगा, मैं आग्रह करूंगा मिताली जी से कि वो और भी अपने गीतों को भी सुनाए पारंपरिक गीत के साथ। जो छठी मैया का विशेष गीत इन्होंने खुद से अपने म्यूजिक एल्बम के लिए तैयार किया है उसे भी सुनाए मिताली जी प्लीज। बिल्कुल, ये बहुत खास एक गीत जो बहुत सबको ही पसंद किया है, मैं उसको सुनाती हूँ। उगहो दीनानाथ, उगहो दीनानाथ, साँझ से सवेर हो गई बा हे बाबा, उगहो दीनानाथ, कतनो परीक्षा ले ली आस न छूटी, जान चाहे चल जाए आस न टूटी, देवी दर्शन सुन ली अरजिया, देवी
नानाथ। मिताली जी, ऐसा लगता है, मैं तो आपके सामने बैठा हुआ हूँ, कि लगातार ये भाव और ये भाव भक्ति मैं उसका रसा स्वादन करता रहूं। लेकिन मैं चाहूंगा, मैं दर्शकों के सामने, मैं चाहूंगा कि मिताली जी एक गीत और अपना हमारे दर्शकों को सुनाए। जाहिर सी बात है, इनके गले में जो गायकी में जो खूबसूरती है, जो सुर के सातों रंग नजर आते हैं, वो अपने आप में एक साधक को बताता है कि उसकी साधना कैसी है, और खास तौर पे दीनानाथ के प्रति, भगवान भास्कर के प्रति। मिताली जी प्लीज। बिल्कुल। हम तो से पूछे बरतिया ए बरतिया के करा लागी, हम तो से पूछे बरतिया ए बरतिया के करा लागी, के करे लो छट बरतिया जाके जो के करे ले झट बरतिया जाके जो केलवा के पात पर उगलन सूरज मल जाके जो के करे लो छट बरतिया जाके जो के करे ले छट बरतिया जाके जो के। बहुत खूब मिताली जी। सही बात है कि जिस तरीके से छठ मैया की महिमा का गुणगान किया जाता है, और ये बिल्कुल सत्य है कि छठ महापर्व जो लोक आस्था का पर्व माना जाता है, वो छठ गीतों के बिना अधूरा होता है। और मिताली जी आज हमारे साथ, हम सबों को छठ मैया के भावपूर्ण गीत को सुनाई, सबसे पहले तो इनको साधुवाद। और हम आपसे भी आग्रह करेंगे कि छठ महापर्व बहुत ही नियम धर्म से मनाने वाला पर्व है, इसे मनाइए, भगवान हम सबों के जीवन में खुशहाली लाएंगे। कैमरा पर्सन सुरेंद्र प्रसाद के साथ ब्रजेश राय, R9 TV रांची।